नौजवान बड़े उत्साह से काम कर रहे हैं, पूरा यूनिट हमारा बहुत खुशी में है कि अच्छा म्यूज़िक इस फिल्म में है और एक साफ़ सुथरी और पूरी तरह से कॉमर्शियल फिल्म है, मनोरंजन पूर्ण फिल्में हैं जिसमें अश्लीलता की कोई जगह नहीं है। चूँकि इसका निर्माता भी मैं हूँ तो इस वजह से परिवार के साथ देखने लायक फिल्म है। और मेरे साथ विनोद जी हैं, नौजवान जिनकी भी सोच यही है कि हम लोग ऐसी फिल्म बनाएं जिससे पूरी फैमिली देख सके, तो ये कर रहा हूँ। कुराल जी, इस फिल्म से उम्मीदें ज़्यादा होगी क्योंकि आकाश भी आ रहा है इस फिल्म से और आप निर्माता भी हैं फिल्म के लिए। आप हमेशा अश्लीलता के खिलाफ रहे, मैंने 200 बार इंटरव्यू में ये सवाल पूछा है, 200 बार आपने जवाब दिया है। इस फिल्म से बेटे से भी ज़्यादा, आप एक्टर भी हैं, आपके बेटे हैं, तो कितनी ज़्यादा उम्मीदें बनती हैं? देखिए, हर बाप की एक ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है। एक भाई विनोद के भाई भतीजे हैं हमारे विनोद, तो इनकी भी ख्वाहिश है कि उसका भाई इतना बड़ा हो जहाँ उसके बाप या चाचा के नाम को भुला जाएं लोग। तो वो लड़का यही प्रयास कर रहा है, संस्कारी लड़का, इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक कलाकार होने के नाते जो उसमें गुण देखता हूँ मैं, मेहनती है, बहुत कुछ करना चाहता है और मैं आशीर्वाद ही दे सकता हूँ अगर वो मेहनत करेगा, अपना व्यवहार अच्छा रखेगा तो जनता निश्चित रूप से उसे आशीर्वाद देगी। कुणाल जी, आकाश क्या बनना चाहता था? आप एक्टर बनाना चाहते थे, वो बनना चाहता था, या कहानी में कोई और बात है? नहीं, मैं तो जितने वर्ष तक यहाँ संघर्ष किया तो मुझे लगा कि फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है और मैं कभी नहीं चाहता था कि वो फिल्मों में आए। और इसीलिए बचपन में उसको मैंने पंचगनी मुंबई से दूर हॉस्टल में डाल दिया था। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद जब एक दिन अचानक वो मुझे बोला कि मैं फिल्मों में कलाकार बनना चाहता हूँ, तो एक बाप होने के नाते मैंने बोला कि पहले या तो इनके मित्र लोगों ने कहा हुआ कि तुम हैंडसम हो, लंबे चौड़े हो, तुम्हारे पिताजी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तुम्हें आसानी से मौका मिल जाएगा, जबकि फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति में कुछ आसानी से नहीं मिलता है। तो मैंने एक फाइट मास्टर को सुबह सुबह बुला के कहा कि इनको जरा ट्रेनिंग करवाइए, अगर ये एयर कंडीशन और डनलप छोड़ के मेहनत करेंगे तो मैं समझूंगा कि इनकी इच्छा है कुछ करने की। और इस लड़के की सिंसरिटी को देख के मुझे लगा कि नहीं, एक बाप होने के नाते अगर बच्चा मेरा मेडिकल में पढ़ रहा होता तो उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ों को मैं मुहैया कराता। फिर मैंने इनको ट्रेनिंग में डाला, एक्शन का, डांस का, डिक्शन का, तो फिर वो 2 साल ट्रेनिंग लिए और तब फिल्मों में आए। और इनको एक पहली फिल्म मिली, बंगला फिल्म, जिसमें ये नाग बन के आए थे। सपन साहब बहुत मशहूर निर्देशक हैं बंगला फिल्मों के, वो फिल्म काफ़ी सफल रही। उसके बाद एक हिंदी फिल्म ब्लडी इश्क में नायक बन के आए, जिसकी पूरी शूटिंग बैंकॉक में की गई थी। एक भोजपुरी फिल्म पवन सिंह जी ऐसे बड़े नायक के साथ इसकी पूरी हो गई है, तेरे जैसा यार कहाँ, जो जल्दी प्रदर्शित होने वाली है और ये फिल्म अभी उसकी फ्लोर पे है। कुराल जी, आकाश को बतौर अभिनेता कैसा बात है? देखिए, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, मेरी समझ है। मेहनत करता है इंसान तो उसके अभिनय में, उसके हर वो काम जो करना चाहे उसमें निखार आता है। सीख रहा है अभी, लेकिन एक चीज़ मैं पाता हूँ कि उसमें आत्मविश्वास है, वो कॉन्फिडेंस से काम करता है और अपने निर्देशक से या अपने सीनियर एक्टरों से वो सीखना चाहता है। अगर कुछ गलती होती है तो सीखता भी है, ये कलाकार के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि तभी वो निखर के आएगा। जी, एक आखिरी सवाल, आप क्या चाहते हैं आकाश के लिए? कौन सी भाषा की फिल्में की जाए, या क्या बेहतर रहेगा, हिंदी करे, बंगाली भी की जाए, भोजपुरी करे, कुछ आप कहना चाहेंगे? जिस फिल्म में उसके अभिनय को लोग सराहें, भाषा सिनेमा का कोई दायरा नहीं होता, ये हम लोग एक दायरे में बांध देते हैं। क्या साउथ के जो कलाकार हैं वो इंटरनेशनली नहीं जाने जाते? या पंजाबी फिल्मों के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, मराठी फिल्में जिनको ऑस्कर में फिल्में मिलती हैं, तो सिनेमा का कोई दायरा नहीं है जिसको भाषा से बांधा नहीं जा सकता। हाँ, मैं ये ज़रूर, जो कुछ वर्षों में फिल्मों में अश्लीलता आई थी, इससे मैं चाहता हूँ कि वो दूर हो के काम करे। परिवार का हर छोटा से छोटा बच्चा और बड़े से बड़े बुजुर्ग लोग भी उसको सराहें, उसके अभिनय को सराहें, आशीर्वाद दें, प्यार दें
एक अच्छा अभिनेता बन के आए, यही मैं आशीर्वाद देता हूँ। निर्माता है चोर मचाए शोर के, ये फिल्म कब तक कंप्लीट हो सकती है कुणाल जी और थिएटर्स में? जी हम लोग इसको ईद में रिलीज कर देंगे फिल्म को।